सो क्वेश्चन नंबर थर्ड द क्वेश्चन नंबर थर्ड फ्रॉम लेसन सेकेंड द मेकिंग ऑफ मिसाइल मैन क्वेश्चन थर्ड व्हाट डेड अब्दुल कलाम डू फॉर द सपोर्ट ऑफ हिस फैमिली अब्दुल कलाम अपने फैमिली के सपोर्ट के लिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए क्या करते थे सो ज सीधा आंसर अब्दुल कलम कलेक्टेड टैमरिन शीट टैमरिन शीट मीस इमली के बीज एंड सोल्ड देम टू अ शॉप और उन्हें एक दुकान में बेच देता था ही ऑल्सो कलेक्टेड अ पॉपुलर तमिल न्यूज़पेपर, उसने एक पॉपुलर तमिल न्यूज़ पेपर भी uh, ख़रीदा एट रामेश्वरम रेलवे स्टेशन एंड हेल्प्ड हर कज़न इन सेलिंग इट एंड

Helped her cousin in selling it. He earned money for these services. He supported his family with this money. And whatever the money he was earning from the these services, used to use that money for supporting the family members. So it was answer of question number third. Now let's see the answer of question number four. And uh, I just want you to write down this all questions. These all questions are related to uh, English. स्पेशल क्लास एट फ्रॉम लेसन टू द मेकिंग ऑफ मिसल मैन फोर्थ क्वेश्चन वॉट रिलीजियस बुक हैड ही रीड इन हिज चाइल्ड हुड अपने बचपन में अब्दुल कलाम ने कौन कौन से धार्मिक किताब पढ़ा है सो हेयर द स्पेलिंग ऑफ कुरान सो कुरान इज़ रॉन्ग हेयर द स्पेलिंग इज़ रॉन्ग Okay, just write down the correct spelling. Hope you know the uh, correct spelling of Quran. If you don't know, then you can ask me the comment section. So, what religious book had he read in his childhood? apne bachpan mein अब्दुल कलाम ने कौन-कौन से धार्मिक किताबें पढ़ी हैं? So he read the Quran. Okay, you have to write on the correct spelling of Quran and the Gita in his childhood. उन्होंने अपने बचपन में कुरान और गीता धार्मिक किताबें पढ़ी हैं। Okay, if you have written down this, so now let's write down the next answer. And if you couldn't write down, so just pause the video, write down the uh, just write down the answer, then just you can play the video again. Let's see the next question, question number five. So, question number five is how did the school celebrate the occasion when Kalam became president? Okay, like uh, school ke logo ne uh, us, us sabko kaise manaya jab Kalam. प्रेसिडेंट बना जब कलम प्रेसिडेंट बना तो स्कूल के लोगों ने उस दिन को उस कैसे सेलिब्रेट किया या उस टाइम कैसे सेलिब्रेट किया वेन कलम बिकेम प्रेसिडेंट द स्कूल सेलिब्रेटेड द डे एज अ फेस्टिवल व डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ओके जब कलम प्रेसिडेंट बना सो स्कूल के लोगों ने स्कूल में शूट डिस्ट्रीब्यूट किया लाइक बिट अमोंग द टीचर्स एंड Students among the teachers and students, okay. Teacher or students, kibich me a teacher or students go sweet, but from the school uh, or by the school um, cabinet when Abdul Kalam became the president. Now, let's see the next question. If you have written down this, let's move on to the next question now. And if you haven't written down, so just pause the video here and then just write down the question. ओके लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन वन डे अ न्यू टीचर केम टू द क्लास एक दिन एक नया टीचर क्लास में आया ही आस्ट अब्दुल कलाम नॉट टू सिट विथ रामानंदा उसने अब्दुल कलाम को बोला कि तुम रामानंद के साइड में नहीं बैठोगे हाउ डिड रामानंद फादर रियक्ट टू दिस इंसिडेंट रामानंद के पिता ने इस इंसिडेंट पर इस घटना पर कैसे रिएक्ट किया रामानंदर सेंड फॉर द टीचर रामानंद की फादर ने इस पूरी घटना को टीचर को बताया या टीचर के पास भेजा ही टोल द टीचर दैट वट ही हैड डन बुड ऑनली ब्रेड कम कम्यूनलिज़्मे okay? उन टीचर को बताया कि जो भी उनने किया है इससे बस uh, इससे बस धार्मिक इससे बस लाइक धार्मिक देर विल भी वायलेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम इस वजह से बस हिंदू और मुस्लिम में दंगे फसा झगड़े ही होंगे सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स जस्ट राइट ऑन दिस आंसर एंड इफ यू हैव रिटेन डाउन सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन

इंस्टीट्यूट और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया तो उसके सिस्टर ने किस तरह उसकी मदद की सो हे सिस्टर मॉड गेज में लाइक किसी चीज़ को गिरवी रखना किसी चीज़ को गिरवी रखना हे सिस्टर गेज हर ऑर्नामेंट्स उसके जितने भी आभूषण ज्वेलरी थे उसने सारे आभूषण सारे ज्वेलरी गिरवी रख दिए टू रेज द रिक्वायर्ड फीस ताकि जो भी फीस की ज़रूरत हो उसको पूरा किया जा सके सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन जस्ट राइट डाउन दिस एंड ईफ है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट सो जस एंड होप यू द प्रीवियस ऑल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट इज हाउ डिड अब्दुल कलाम लर्न दैट प्रिजर्व प्रिजर्वेंस मेक मेडिकल्स अब्दुल कलाम ने यह कैसे सीखा कि प्रिजर्वेंस चमत्कार करता है सो सीधा आंसर वॉन्स कलाम बॉज इन्वाइटेड हिज टीचर मिस्टर सुब्रमण्यम अयर ओके वन कलाम बॉज इन्वाइटेड बाय ओके अगेन जिस समथिंग इज मिसिंग हियर विल हैव टू डू वन थिंग वन कलाम बॉज इन्वाइटेड After invited, you have to write down why. Clear, guys? After invited, you have to write down why. Once Kalam was invited by his teacher, Mr. Subramaniam Ayer. Okay, then full next step. Ayer's wife was an orthodox Hindu lady. Orthodox Hindu lady means Kattar Hindu lady. Okay, or like uh, sanki uh, Lake Limit, Ms. Soshnavali Hindu lady. So she refused to, so she. सो शी रिफ्यूज टू सर्व फूड टू कलम इसलिए उसने कलम को भोजन देने से या भोजन परोसने से मना कर दिया विदाउट शोइंग एनी एडवर्स रिएक्शन ओके लाइक कि बिना किसी uh, बहुत ही गुस्से गुस्से वाले एक्सप्रेशन दिए बगैर शी से डायरेक्टली दर आई कान्टर्व फूड टू कलम मैं कलम को फुट सर्व नहीं कर सकती बिकॉज शी मीन ही इज़ एन मुस्लिम क्योंकि वो एक मुस्लिम है served the food himself okay served the food himself okay without showing any adverse reaction served the food himself who served the food himself that teacher. teacher that teacher that means he so we will have to write down here ayer's wife was an orthodox Hindu lady so she refused to serve food to kalam okay then ayer ayer okay who served the food ईयर विदाउट शोइंग एनी एडवर्स रिएक्शन वो किसी भी गुस्से वाला प्रतिक्रिया दिए बगैर उसने खुद फूड कलम को सर्व किया ओके इट वॉज हिज पेशेंस एंड ग्रेविटी दैट प्रोमोटेड हिज वाइफ एन अदर टाइम ओके और इसकी इसी सादगी और इसकी ग्रेविटी लाइक like, ग्रेविटी में इस लाइक उसकी कर्तव्य निष्ठा ओके okay? ने nee, दूसरी बार नॉट करते पे निष्ठा लाइक उसकी सादगी नहीं या उसके सब विचार नहीं दूसरी बार ओके हीज़ प्रोमो प्रोम टेट हीज़ वाइफ एन द टाइम टू सर्व फूड टू कलम ओके इसी क्रिया के दौरान इसे देख कर उसकी वाइफ ने भी दूसरी बार कलम को फूड सर दूसरी बार ओके okay? अगली बार लाइक नेक्स्ट टाइम बेन अब्दुल कलम बेन टू हिज टीचर्स होम सो नेक्स्ट टाइम हिज़ वाइफ मिसेस अयर सर्व द फूड टू कलाम ओके अगली इस बार जो फूड था मिसेस अयर ने उसको सर्व किया दिस टॉट कलाम द लेसन ऑफ प्रिजर्व प्रिजरवरेंस ओके इस चीज़ ने कलाम को प्रिजर्वरेंस uh, का लेसन का लेसन या पार्ट सिखाया सो दिस वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन टू द मेकिंग ऑफ मिसाइल मैन ओके क्लास एट ओके नाउ बी इट दिस क्वेश्चन वार ऑफ क्लास 8 class 8 okay so hope you have written down all the question answers if you have written down uh, and if you couldn't if you just missed any uh, question so just watch this video again and uh, just write down the question again okay and if you have any confusion then you can just write down your confusion your question in the comment section so uh, next time we will just complete lesson third lesson fourth and another uh, lessons question answers if you are new to this channel then subscribe to this channel press on the notification button so that whenever i will just up press the notification button okay so that whenever i will play uh, will upload any new educational video so that you can see that you can learn something from that okay so thanks for watching and just share this video with your friends who are in class 8 okay so we will just meet with another video if you if you haven't subscribed so subscribe now and just like the video also okay have a great time ahead students bye bye